हाय, आई एम डेविड सिंह रावत एंड यू आर वाचिंग DW ऑल भारत व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो बनबसा का जो बॉर्डर है नेपाल वाला, और नेपाल वाले जो मेहनत करते हैं, माय गॉड, सच में कह रहा हूँ, धूप हो या बारिश हो या ठंडा मौसम, गजब का मेहनत करते हैं। और क्यों करते हैं वो सभी चीज़ें आप लोगों को शेयर करता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो साइकिल में चलते हुए बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जवान लेडीज लड़कियां, साइकिल हो या स्कूटी हो, बाइक हो, बनबसा से नेपाल क्यों ले जाते हैं? न धूप में, न धूप देखते हैं, न ठंड लगती इन लोगों को, न बारिश। आखिर क्यों करते, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्या इनको शौक है कि बनबसा से नेपाल आना जाना करना? देखिए, और बड़े बड़े बोझ लेकर जाते बेचारे, आखिर क्यों? जहां मैं खड़ा हूं ये है बनबसा और नेपाल का बॉर्डर है। नेपाल जो जगह है वो गड्डा चौकी कहलाता है, जो बनबसा का बॉर्डर है। तो नेपाल और इंडिया का भाईचारे का रिश्ता है, बहु बेटी भी कहते हैं। तो नेपाल में काम बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से जो साइकिल में आप लोग देख रहे हैं लोग सामान ले जा रहे हैं, उसका कारण है कि लोग बनबसा आके सामान ले जाना शुरू करते हैं, क्योंकि भाई पेट तो पालना है। इसीलिए वो न धूप देखते हैं, न छांव देखते हैं, न बारिश, न ठंड। ये लोग साइकिल, बाइक, स्कूटी में सामान लेकर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि नेपाल में रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए दो रोटी, तीन वक्त की जो रोटी है वो खाने के लिए, पेट में डालने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है। ये जो कैरिंग करते हैं ये लोग सामान ले जाके वहाँ दुकानों में बेचते हैं, ये हालत है नेपाल की। लेकिन इसमें भी मैंने जब बात की थी कुछ लोगों से, इन्हीं में से, तो उनका कहना है कि एक तो रोजगार नहीं है, रोजगार सरकार को बोलो दीजिए, रोजगार दीजिए करके, तो रोजगार तो है नहीं। तो ये कैरिंग करते हैं, दो पैसा बच जाए, बच्चों को खाना खिला देंगे, तो वहाँ की जो सरकार है वहाँ ये लाने नहीं देती। और टैक्स काटो कहने के बाद भी टैक्स भी नहीं काटते, तो ऐसे में ये बेचारे करेंगे क्या? सहारा एकमात्र है कि भाई कैरिंग करना है, सामान ले जाके वहाँ बेचना है। और दूसरी बात, नेपाल में मैन्युफैक्चर बिल्कुल भी नहीं है, हर एक सामान इतना महंगा है, नॉर्मल जो इंसान होता ना नहीं जी सकता वहां महंगाई की वजह से। मैं नेपाल सरकार से इतना ही कहना चाहता हूं, या तो आप लोग जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दीजिए, तभी वो इंडिया क्या कहीं भी नहीं जाएंगे, नेपाल का पैसा नेपाल में रहेगा, वहां के लोग वहीं काम करेंगे जो भी काम हो। ना तो वहां रोजगार है, ना वो इंडिया से जो कैरिंग वाला सिस्टम है आजकल, ना वो करने देते हैं। तो बेचारे जो बेरोजगार लोग हैं करेंगे तो क्या करेंगे? प्लीज रोजगार दीजिए नेपाल सरकार से, मैं स्पेशली ये चीज कहना चाहता हूँ, थैंक यू। और दूसरा, जो ये लेडीज लड़कियां लोग काम कर रहे हैं ना, लेडीजों के काम करने का मजबूरी है कि जो इनके श्रीमान है, हस्बैंड, बहुत देखे मैंने नेपाल के जो लोग होते हैं बहुत धूम्रपान करते हैं, यानी कि शराब पीते हैं, वो लोग पी पा कर पड़े रहते हैं, कहीं भी मतलब नहीं है घर से। और लेडीज जो हैं वो लेबरी करना शुरू कर देते हैं, बेचारे कैरिंग कर रहे हैं। और मैंने ये पूछा है कई लोगों से, और मैंने देखा तक है अपनी आंखों से, तो ये हालत है नेपाल की। तो भाई मैं नेपाल वालों से यही कहना चाहता हूँ, नेपाल सरकार से प्लीज रोजगार दीजिए ताकि लोग वहाँ बेरोजगार नहीं रहेंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, बाकी विल मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।